बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर और तमाम फर्स्ट ईयर। आज चैप्टर नंबर 5 वेव मोशन का, जो कि इलेक्ट्रिकल सेकेंड का तीसरा चैप्टर बनता है और बाकी तमाम फर्स्ट ईयर का पांचवा चैप्टर बनता है, वेव मोशन का हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। वो आपके पास है मोशन अंडर इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स। फर्स्ट करें, हमारे पास एक बॉडी है जिसका मैस m है, उसको हमने एक स्प्रिंग के साथ अटैच किया हुआ है। स्प्रिंग के एक सिरे से हमने बॉडी को अटैच किया हुआ है और स्प्रिंग के दूसरे सिरे को हमने किसी फिक्स सपोर्ट के साथ अटैच किया हुआ है। जब हम फोर्स F अप्लाई करते हैं और बॉडी को राइट साइड की तरफ हम खींच के ले जाते हैं, तो बॉडी जो है वो O से डिस्प्लेस होकर A पोजिशन पर जाती है और ए पोजीशन के ऊपर हमने बॉडी को एटरेस्ट रखा हुआ है। और हम जानते हैं कि अगर किसी बॉडी कोई बॉडी का रेस्ट पे हो तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो जीरो होती है, मोशन कोई नहीं होती। लिहाजा इस वक्त एट पॉइंट ए के ऊपर जो इसकी काइनेटिक एनर्जी बनेगी वो आपके पास जीरो बनेगी, क्योंकि हमने पॉइंट ओ से ए की तरफ ले गए हैं, तो हमने डिस्प्लेसमेंट एक्स जो है वो ट्रेवल किया है जो कि एम्पलीट्यूड है। तो हमने एक पोजीशन दी है बॉडी को फ्रॉम ओ टू ए, एक्स एक पोजीशन है। तो एट पॉइंट ओ इसकी जो एनर्जी बनेगी वो पोटेंशियल एनर्जी बनेगी। तो एट पॉइंट ओ वेलोसिटी जो कि जीरो है, काइनेटिक एनर्जी जीरो, एट पॉइंट ए चूंकि पोजीशन मैक्सिमम है लिहाजा यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी बनेगी वो मैक्सिमम बनेगी। जब हम इन दोनों एनर्जीज को सम अप करेंगे तो जो टोटल एनर्जी बनेगी वो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी होगी एट पॉइंट ए। जब हम पॉइंट ओ से ए की तरफ हम इसको लेके जा रहे थे तो हमें फोर्स लगा के इसको खींचना पड़ रहा था। अगर फर्स्ट करें किसी भी वक्त पर बॉडी जो है वो अगर हमारे हाथ से छूट जाती तो क्या रिजल्ट निकलता कि वो बॉडी फौरन भाग कर अपनी पोजीशन को ओरिजिनल पोजीशन यानी मेन पोजीशन की तरफ आती। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम पॉइंट ओ से बॉडी को ए की तरफ लेके जा रहे थे, या जब डिस्कस करेंगे कि पॉइंट ओ से हम उसे बी की तरफ लेके जा रहे थे, तो एक्चुअली बॉडी की जो असल डायरेक्शन थी वो मेन की तरफ थी, हम उसे जबरदस्ती पॉइंट ए की तरफ या पॉइंट बी की तरफ लेके जा रहे थे। तो इसी तरह अगर हम जब पॉइंट ए पे पहुंचेंगे तो मैक्सिमम पोजीशन है, हमें दोबारा बॉडी को दे देंगे, तो पॉइंट बी के ऊपर भी जिस तरह पॉइंट ए के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी तो पॉइंट बी के ऊपर भी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, क्योंकि कुछ देर के लिए बॉडी आगे पॉइंट बी पर रुकेगी, उस दौरान इसकी जो मोशन होगी वो जीरो होगी, वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, लिहाजा इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी एट पॉइंट बी या एट पॉइंट ए वो जीरो होगी। तो सारी की सारी एनर्जी यानी टोटल एनर्जी जो होगी वो सारी की सारी आपके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो एट पॉइंट ए और एट पॉइंट बी द टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी विल बी द पोटेंशियल एनर्जी, एंड एट पॉइंट ओ ड्यूरिंग इट्स मोशन तो इसकी जो पोटेंशियल इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो मैक्सिमम होगी और पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, यानी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी एट पॉइंट ओ के ऊपर और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी एट पॉइंट ए और एट पॉइंट बी के ऊपर। लिहाजा अब हमें ये देखना है कि जब हम इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हुए एक मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हम गेन कर रहे थे टुवर्ड्स ए या टुवर्ड्स बी, तो बॉडी की क्या कोशिश थी कि वो अपनी अपने आप को मेन पोजीशन की तरफ लेके आए, मगर चूंकि हमने उसे एक फोर्स अप्लाइड फोर्स लगाकर हम उसको पॉइंट ए या पॉइंट बी की तरफ लेके जा रहे थे, तो जब हम फोर्स लगा रहे थे बॉडी के ऊपर एफ, तब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रही थी डिस्प्लेसमेंट के। जितनी हम फोर्स ज्यादा लगाते एक्स उतना ज्यादा होता, एक्स ए की तरफ हो या बी की तरफ हो, जितनी ज्यादा फोर्स हम लगाएंगे उतना उस बॉडी में डिस्प्लेसमेंट ज्यादा पैदा होगा, लिहाजा एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्स। जब हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करेंगे तो एफ इजिकल टू के एक्स बन जाएगा। अब के क्या है, जो कि स्प्रिंग कांस्टेंट है, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर बताया था हुक्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट, तो हम के को स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं एफ इजिकल टू के एक्स। अब जरा गौर करें, चूंकि ड्यू टू इलास्टिसिटी द स्प्रिंग अप्लाइज एन इक्वल रिस्टोरिंग फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन,
जिसको मैंने कहा था कि बॉडी की पूरी कोशिश होगी कि वो मीन की तरफ आए, लेकिन हमने जो कि उसके ऊपर अप्लाइड फोर्स ज्यादा लगाई हुई थी, लिहाजा बॉडी ए या बी की तरफ वो डिस्प्लेस हो गई। तो यहां से फिर हमने क्या करना है कि चूंकि अप्लाइड फोर्स के इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में है, लिहाजा एफ इज इक्वल टू के एक्स हो जाएगा और एफ रिस्टोरिंग इज इक्वल टू माइनस के एक्स हो जाएगा। ये है हमारे पास इक्वेशन वन। अब मैंने पहले भी बताया था, जब भी किसी बॉडी के ऊपर हम फोर्स लगाते हैं तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन फौरी तौर पर एप्लीकेबल होता है। लेना F इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा ma। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हमने कंपेयर किया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर इसलिए करेंगे कि बॉडी एक है, फोर्सेस दो तरह की एक ही बॉडी के ऊपर लग रही हैं। जब भी कोई एक बॉडी हो और उसके ऊपर फोर्सेस दो तरह की लग रही हो तो वो दोनों आपस में कंपेयर हो जाएंगी। जब इनको हम कंपेयर करेंगे तो ma इज इक्वल टू माइनस के एक्स। तो दिस इंप्लाइज दैट ए इज इक्वल टू माइनस के ओवर एन, तो ये एन है वो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा माइनस के ओवर एन इंटू एक्स। तो दिस इंप्लाइज दैट ए इज इक्वल टू माइनस इंटू कॉन्स्टेंट इंटू एक्स। अब ये कॉन्स्टेंट जब आप खत्म करेंगे तो फिर आपके पास साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आएगा, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस एक्स, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस एक्स। अब ये इक्वेशन 3 क्या शो कर रही है, ये इक्वेशन 3 क्या शो कर रही है कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट एंड नेगेटिव साइन, एंड नेगेटिव साइन ये शो करता है, नेगेटिव साइन ये शो करता है कि एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो मीन पोजीशन की तरफ है, मीन पोजीशन ओ की तरफ है। और इसको हम सिंपल पेंडुलम, सिंपल हार्मोनिक मोशन कह रहे हैं, इसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कह रहे हैं। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की फिर हम यहां से एक डेफिनेशन कंक्लूड करते हैं, वो ये है कि द टाइप ऑफ वाइब्रेटरी मोशन इन विच एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोजिशन, दिस इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि व्हाट इज वाइब्रेटरी मोशन, तो ऐसी टू एंड फ्रो मोशन, ऐसी मोशन जो अपने आप को एक ही पाथ के ऊपर बार 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 मूव करवाए, दिस इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। और अगर पीरियडिकली है तो वाइब्रेटरी मोशन ऐसी मोशन को कहेंगे जिसका टाइम पीरियड भी कॉन्स्टेंट हो। तो तमाम वाइब्रेटरी मोशन जो है वो जरूरी नहीं है कि पीरियडिक मोशन हो, हाँ पीरियडिक मोशन तमाम की तमाम जो है वो वाइब्रेटरी मोशन हो सकते हैं, क्योंकि टाइम पीरियड कांस्टेंट है, एक वाइब्रेशन का टाइम पीरियड, दूसरी वाइब्रेशन का टाइम पीरियड, तीसरी वाइब्रेशन का टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड अगर कांस्टेंट है तो ये पीरियडिक मोशन हो जाएगी जो कि वाइब्रेटरी मोशन की ही किस्म है। तो वाइब्रेटरी मोशन क्या होती है कि एक ही पाथ के ऊपर बार बार टू एंड फ्रो मोशन को हम वाइब्रेटरी मोशन हम कह सकते हैं। तो आज के टॉपिक में हमने क्या पढ़ा कि इसमें दो चीजें, नंबर वन कि एक्सेलरेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एक्सेलरेशन जो है वो उसकी डायरेक्शन जो है वो मीन की पोजीशन की तरफ है, और ये शो करती है सिंपल हार्मोनिक मोशन। इंशाल्लाह जो आगे दो टॉपिक और आ रहे हैं जिसमें सर्कुलर मोशन है और जिसमें सिंपल पेंडुलम की मोशन है, तो हमें वहां भी ये शो करना है कि जो सर्कुलर मोशन है उसकी मोशन भी सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है, या ये जो सिंपल पेंडुलम की मोशन है वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। तो आज के टॉपिक में हमने कंफर्म कर दिया कि जो मोशन किसी स्प्रिंग अटैच के साथ होगी और वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म कर रही होगी तो ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन ही कहलाती है। आज के लिए इंशाल्लाह इतना काफी, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।